सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बुद्धा डेंटल कॉलेज बिहार कैंपस के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं और इसकी पूरी डिटेल्स जानने वाले हैं। तो बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, इसका जो लोकेशन है आपका पटना में है, कंकड़बाग के पास है लोकेशन आपका बुद्धा डेंटल कॉलेज का। और अगर बात करूं इस कॉलेज का बिल्डिंग सब कुछ जो बन के तैयार हुआ था 1984 में कैंपस स्टार्ट हुआ था। और वही बात करूं कोर्सेज का जो यहाँ पर कोर्सेज स्टार्ट हुआ था 1985-96 यानी 1985 वाले बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना पुराना डेंटल कॉलेज है और बिहार में है, बिहार का सबसे पुराना डेंटल कॉलेज में से एक है आपका बुद्धा डेंटल कॉलेज। अगर बात करूं इसका अप्रूव तो ये आपको डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कैंपस है, साथ साथ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कैंपस है। उसके अलावा अगर बात करूं इसकी अपग्रेडेड कर तो डिग्री मिलती है, तो डिग्री आपका मिलता है मगध यूनिवर्सिटी से, डिग्री मिलता है आपका बीडीएस कोर्सेज का। अगर बात कर ले वहीं पर आपका बीडीएस सीट का इंटेक जो इनके यहाँ है, जो इंटेक जो है आपका बीडीएस कोर्स का यहाँ पर 100 सीट अवेलेबल है, 100 सीट है यहाँ पर। अब बात आता है कि भाई इसका फीस क्या है बीडीएस का, बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है बीडीएस एक्चुअली फी क्या है। तो भाई जो ट्यूशन फीस है आपका बीडीएस का 3,21,000 पर एनम फीस है। बट आप फर्स्ट ईयर जब एडमिशन लेते हो तो बहुत सारे कुछ ऐड करके सर रजिस्ट्रेशन अमाउंट, लाइब्रेरी चार्ज, एग्जाम फीस, अदर जो भी चार्जेस मिला के जो टोटल जो फीस बनता है फर्स्ट ईयर में 5,51,000 आपका फी बनता है, मतलब 5,51,000 रुपया पहला साल में फीस बनता है। थोड़ा सा कॉस्टली है, बिहार में है कॉलेज, पुराना है डेंटल कॉलेज, 5,51,000 पहला साल में फीस है। बाकी सेकेंड ईयर से आपका 3,21,000 प्लस आपका जो एग्जाम फी ये लगना है। हॉस्टल भी अगर बात करो तो हॉस्टल भी इसके कैंपस के अंदर में ही मौजूद है, कैंपस में ही आपका हॉस्टल है। हॉस्टल का फीस जो है आपका लगभग 1,00,000 रुपीज पर एनम हॉस्टल फीस भी है। तो आप एक अनुमान लगाना कितना का पैकेज आपका इस कॉलेज में पढ़ने से बैठता है। अब एडमिशन की प्रोसेस की बात करूं तो बिहार का जो कंबाइंड काउंसलिंग होता है आपका नीट का, या नीट मतलब डेंटल का जो काउंसलिंग होता है उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पर एडमिशन के लिए अवेलेबल होता है। उसके लिए आपको नीट में क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है। साथ साथ बात करूं तो इस कॉलेज का रिव्यू, तो यहाँ पर जो आपका एक पुराना प्लस यहाँ पर जो एलुमनाई जो स्ट्रांग है, जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे बीडीएस कोर्स करके यहाँ निकले हुए, बहुत सारे स्ट्रांग पार्ट है यहाँ, मतलब बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के निकले हुए हैं, तो एक बेनिफिट आपको ये मिलता है, प्लस आपका कॉलेज पुराना हो गया। उसके अलावा बात करें बीडीएस का यहाँ पर, तो आपको पढ़ाई के बाद आपको यहाँ पर इंटर्नशिप 110% लग जाना है, क्योंकि इसका इंटर्नशिप जो है आपको बहुत बढ़िया है, यहाँ से बहुत सारे कॉलेज देखने को मिलता है जहां से इंटर्नशिप के नाम पर अंडा मिलता है। बट यहाँ पर क्या है रियलिटी है कि आपको यहाँ से इंटर्नशिप मिल जाना है, और अपने बिहार में है कॉलेज तो अगर बिहार में पढ़ना है तो आप बुद्धा डेंटल कॉलेज को देख सकते हो अगर बजट आपका है तो, क्योंकि थोड़ा सा ये फी महंगा पड़ जाता है। देखा जाता है अप्रोक्सीमेटली फीस आपका लगभग हॉस्टल से लेकर मेरे ख्याल से 20 से ऊपर का पैकेज बन जाता है बुद्धा डेंटल कॉलेज में। इसके अलावा और बात करूं यहाँ पर बेनिफिट का, तो जो आपको यहाँ पर फैसिलिटी जो आपको मिलता है कैंपस के अंदर में हर चीज फैसिलिटी है, जैसे कि आपका हॉस्टल मैंने बताया, उसके अलावा आपका मेस साथ में आपका यहाँ पर इंक्लूड है, साथ साथ उसके बाद आपका अंदर में कैंटीन फैसिलिटी है, साथ साथ आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह हर चीज अवेलेबल है यहाँ पर। उसके अलावा आपको एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिलता है कॉलेज का। और पैशन प्रो की बात करूँ तो पैशन प्रो बहुत बढ़िया है, और बुद्धा डेंटल कॉलेज का पैशन प्रो बहुत बढ़िया है, मतलब देखा जाए तो पैशन यहाँ पर कंटिन्यू आपका पर डे का पैशन की बात करूँ तो 500 यहाँ पर दिख जाएंगे पर डे जो है वो पैशन प्रो होता है। तो एक मतलब डेंटल कॉलेज में इतने पैशन होना डेली आना बहुत बड़ा मैटर करता है। तो ये बात रहा है बुद्धा डेंटल कॉलेज के बारे में। इसके रिगार्डिंग कुछ और चीज छूट रहा होगा, कुछ आपके डाउट्स रह गए होंगे, कुछ जानना हो, कुछ भी एवरी थिंग्स, किसी को कोई भी जानकारी लेना हो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके आप अपनी जानकारी को ले सकते हैं। उसके अलावा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप तक मेरे ऐसे ही हर कॉलेज का रिव्यू, हर कॉलेज का फीडबैक आप तक पहुंचते रहे और आप तक मैं पहुंचाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।